नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है राजस्थान के जोधपुर से। जोधपुर में भयंकर तबाही मच रही है। राजस्थान के अंदर इन दिनों भयानक आंधी तूफान चल रहा है, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। तेज अंधड़ के कारण जोधपुर संभाग के कई जिलों में बिजली के पोल और ट्रांसफार्मर को भारी क्षति पहुंची है। जयपुर डिस्कॉम के अनुसार अब तक 100 करोड़ रुपये का नुकसान होने का आंकलन जताया गया है। जोधपुर संभाग में अभी भी 1000 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जहां पिछले 5 दिनों से बिजली नहीं आ रही है। दोस्तों, लोग अंधेरे में डूबे हुए हैं, चारों ओर अंधकार छाया हुआ है। अंधड़ के दौरान 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली हैं, जिसके चलते 47,000 से ज्यादा बिजली के पोल उखड़ गए। जोधपुर डिस्कॉम की टीमों ने अब तक 2183 गांव में बिजली सप्लाई बहाल कर दी है। डिस्कॉम के अनुसार तेज अंधड़ से सबसे अधिक नुकसान जोधपुर और जैसलमेर जिलों में हुआ है। डिस्कॉम के MD प्रमोद टांक के अनुसार सभी प्रभावित जिलों में टीमें युद्ध स्तर पर बिजली सप्लाई को दुरुस्त करने में जुटी हुई है। डिस्कॉम की ओर से नुकसान का आकलन करवाया गया है। इसमें जोधपुर जिले में 10,098 और जैसलमेर में 11,575 बिजली के पोल क्षतिग्रस्त हुए हैं। जिन क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था बाधित हुई है, वहां पर त्वरित गति से सामान पहुंचाया जा रहा है और पूरी तरह से खराब हो चुके ट्रांसफार्मर को बदला जा रहा है, ताकि जल्दी से जल्दी बिजली व्यवस्था ठीक हो जाए। अब तक की बड़ी खबर इस वक्त आ रही है राजस्थान के अंदर तो भयंकर आंधी तूफान चल रहा है। पिछले 4-5 दिन से राजस्थान में लगातार तूफान चल रहा है, जिसके चलते हालात बिगड़ रहे हैं। जगह जगह पेड़ उखड़ गए हैं, बिजली के पोल उखड़ गए हैं, जिसके चलते कई लोगों की मौत भी हो गई है। और अभी भी दोस्तों तूफान आने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। आज फिर से राजस्थान के 22 जिलों में खतरनाक तूफान आने वाला है। अगले कुछ मिनट के भीतर भयंकर आंधी तूफान के साथ जमकर बारिश होने की अति से अति प्रबल संभावना है। सभी दोस्तों से अपील है कि कोई भी व्यक्ति दोस्तों भारी बारिश आंधी तूफान के चलते बाहर खड़े ना रहे, पेड़ों के नीचे खड़े ना रहे, मोबाइल टावर कोई दोस्तों खंबा हो उसके नीचे भी खड़े ना रहे, क्योंकि राजस्थान के अंदर 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। इसलिए अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें। वर्तमान में आपके क्षेत्र का मौसम कैसा है कॉमेंट में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें।